वीडियो एडिटिंग पीसी बिल्ड, वो भी 4K लेवल की। और यार देखो, ये वीडियो एडिटिंग पीसी के साथ साथ एक गेमिंग पीसी भी है। और यार इसका बजट जो है वो यार अराउंड 60,000 रुपए के अंदर ही है। यार इतने कम बजट में ये पीसी आपको 4K लेवल की वीडियो एडिटिंग आराम से करवा देगा, और साथ ही साथ आप इस पे गेमिंग भी कर सकते हैं। देखो भाई, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग इन दोनों के लिए अलग अलग पीसी पार्ट्स तो होते नहीं है यार, जनरली आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है एक वीडियो एडिटिंग पीसी बिल्ड करते समय। सो गाइस, तो आज हम उन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए एक 4K वीडियो एडिटिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं। सो यार मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको एक मल्टीपल कोर वाला पावरफुल CPU चाहिए इस पीसी बिल्ड के लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है एक पावरफुल मदरबोर्ड। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि आपको यार जो है अप टू 60GB रैम चाहिए। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि स्मार्ट स्टोरेज। पांचवा पॉइंट है एक डेडिकेटेड GPU। और उसके बाद छठा पॉइंट आप कह सकते हैं कि इसके लिए आपको जितनी ऑल ओवर पावर की जरूरत है उसके लिए एक पावर सप्लाई, और साथ ही साथ एक गुड लुकिंग पीसी केस। सो गाइस, तो आज हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए एक अच्छा सा 4K लेवल वीडियो एडिटिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं। सो यार वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो यार हमारा सबसे पहला पॉइंट था कि एक मल्टीपल कोर वाला पावरफुल CPU यानी कि प्रोसेसर हमें चाहिए था। तो यार इसलिए मैंने प्रोसेसर जो लिया है वो लिया AMD का Ryzen 7 5700G। अब यार तुम यार इसका नाम सुनते ही समझ गए हो कि ये एक APU प्रोसेसर है, मतलब इसमें आपको यार डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड, इसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। और यार अभी के समय में जब यार GPU का क्राइसिस बहुत हाई है, मतलब किल्लत चल रहा है, उसके लिए यार एक APU PCBD यार बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल CPU है। इसमें आपको 8 करोड़ 16 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं, जो कि यार वीडियो एडिटिंग के हिसाब से यार बहुत अच्छी लेवल के आपको प्रोमेस दे देंगे। आपको वीडियो रेंडरिंग में भी ये आपको बहुत अच्छे प्रोमेस देगा। और इसकी जो बेस फ्रिक्वेंसी है वो है 3.8 GHz की, और ये अप टू 4.6 GHz तक जाता है। और यार अगर तुमको इसके और भी टेक्निकल डिटेल जानने होंगे तो यार तुम इसके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी तो यार मैंने इसका जो है फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर में यार बेंचमार्क किया, तो यार आप बेंचमार्क देख रहे हैं। और देखो ये सब प्रोसेसर जो है ये तुम्हारा AMD के Ryzen 9 5950X और Intel के Core i9 11900K के यार थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो यार तुम्हें प्राइस वाइज ये अच्छी प्रोमिस दे देता है, उससे थोड़ा सा ही कम रहता है, बट यार ये आपको अच्छी प्रोमिस दे देगा। और यार जहां तक बात करें कि इसमें आपको यार रैम कितना सपोर्ट करता है, तो ये DDR4 3200MHz की रैम सपोर्ट करता है। वैसे यार मैं ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, यार ओवरऑल जो है एक मतलब जिस बजट में आता है उसके हिसाब से ये आपको यार वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट है। तो यार मैं आपको बता दूं कि जितने भी कंपोनेंट हुए उसका मैं ऑल का प्राइसिंग लास्ट में आपको यार बताऊंगा। तो अब चलते हैं अपने यार नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि एक पावरफुल मदरबोर्ड। सो गाइस, मदरबोर्ड यार अगर आप वीडियो एडिटिंग के पर्पस से ले रहे हैं तो आपको एक अच्छा VRAM वाला मदरबोर्ड लेना होगा। सो गाइस, इसलिए मैंने जो मदरबोर्ड लिया है वो लिया है अभी ASRock का B450M स्टील लीजेंड। अब ये एक यार लुक वाइज साथ ही साथ परफॉर्मेंस एक बेस्ट मदरबोर्ड है, क्योंकि यार ये वाला जो मदरबोर्ड है आपको यार 4 RAM स्लॉट इसमें देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ ही साथ इसमें आपको डुअल M.2 SSD का स्लॉट देखने को मिल जाता है विद यार थर्मल गार्ड। और जहां तक बात आती है यार CPU ओवरक्लॉकिंग की, तो यार आप इस मदरबोर्ड में अपने CPU को आराम से ओवरक्लॉक कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने RAM को भी इसमें आराम से ओवरक्लॉक कर सकते हैं। सो यार इन बजट और एक वीडियो एडिटिंग पीसी के यार पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बेस्ट मदरबोर्ड हो सकता है। तो गाइस उसके बाद बारी आती है हमारे तीसरे पॉइंट की, जो था कि अप टू 60GB RAM। और यार यहां पे जो है मैंने यार 60GB RAM लिया है। सो गाइस अभी हमने RAM में लिया है डाटा का GAMX D30। अभी मैंने यार 8GB का 2 स्टिक लिया है, जो कि एटलीस्ट 16GB, और ये DDR4 3200MHz वाला है। और यार अगर तुम्हें यार 32GB की जरूरत होगी तुम एक और स्टिक लगा सकते हो। अभी यार मैं बजट के लिए यार अभी सिर्फ 8GB का 2 स्टिक ही लगा रहा हूँ। सो गाइस उसके बाद चलते हैं हमारे चौथे ऑप्शन पे, जो कि था एक स्मार्ट स्टोरेज। सो गाइस वीडियो एडिटिंग के लिए आपको यार स्मार्ट स्टोरेज की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भाई स्मार्ट स्टोरेज जैसे कि अगर आप अपने पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आप कम से कम उसमें एक M.2 SSD यार जरूर ऐड करें, क्योंकि उससे राइट स्पीड और रीड स्पीड जो होता है यार पीसी मतलब आपको अलग लेवल की परफॉर्मेंस देगा भाई। सो गाइस, तो इसलिए अभी मैंने लिया है इसमें स्मार्ट स्टोरेज में Samsung का 970 EVO+। अब ये
500 GB का NVMe M.2 SSD है, जो कि यार मैं अभी से प्राइमरी यूज करने वाला हूँ इस पीसी बिल्ड में। और भाई इस मतलब SSD का यार जो रीड स्पीड और राइट स्पीड है, ये आपको यार 3500 MB की रीड स्पीड देता है और राइट स्पीड जो देता है आपको यार 3200 MB/s की। यार आप सोच सकते हैं अगर आप यार अपने पीसी में यार 4K फाइल को मूव भी करेंगे तो यार इजिली आपको यार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ये देगा, और साथ ही साथ ये 5 ईयर की वारंटी के साथ आता है। और वैसे ही भाई मुझे यार सैमसंग के SSD के बारे में ज्यादा बताने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि भाई ये यार SSD के मामले में यार बेस्ट है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था एक डेडिकेटेड GPU। तो यार देखो डेडिकेटेड GPU यार अभी के समय में अगर तुम एक बजट सेगमेंट के पीसी बिल्ड लेकर चल रहे हो तो यार ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि यार जैसे ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस यार जैसे GTX 6050 सुपर इन सबके प्राइस यार 50,000 रुपए के आसपास है अगर, और इसलिए मैंने अभी इस पीसी बिल्ड में यार एक APU किया है, जो कि यार अगर आप इसमें अगर मैं कहूँ कि वीडियो एडिटिंग वाले काम आपको यार इजीली ये करवा देगा, क्योंकि जितने भी बेंचमार्क आपने देखे वो सभी इसके IGPU पर ही टेस्टेड थे। और यार अगर आपको एक्स्ट्रा गेमिंग करना है तो यार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड की ओर जा सकते हैं, नहीं तो यार अगर आपके पास पैसा है तो आप फर्स्ट हैंड भी ले सकते हैं। सो गाइस उसके बाद बारी आती है हमारे पावर सप्लाई की। तो भाई पावर सप्लाई मैंने लिया है गीगावाट का P650D। अब ये यार 650 वाट का 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है, और यार ये मतलब इस पीसी के लिए मोर देन इनफ था 650 वाट का पावर सप्लाई हमारा। अगर आप इन फ्यूचर इसमें ग्राफिक्स कार्ड भी ऐड करते तो उसके लिए भी मोर देन इनफ है 650 वाट का पावर सप्लाई। और यार साथ ही साथ ये 3 ईयर की वारंटी के साथ आता है गीगावाट कंपनी का, यार बस ये मॉड्यूलर नहीं है। सो गाइस उसके बाद अब बारी आती है यार ऑल कंपोनेंट के प्राइसिंग की। तो मैं आपको प्राइस बता देता हूं। तो सबसे पहले यार हमारा जो सीपीयू था AMD का Ryzen 7 5700G, उसका प्राइस था यार ऑनलाइन मार्केट में 30,788 रुपए के आसपास। और उसके बाद बात आती है हमारे मदरबोर्ड की Azure का B450M स्टील लीजेंड, तो उसकी प्राइस थी यार 9,499 रुपए, और ये सभी भाई ऑनलाइन मार्केट में। और उसके बाद बढ़ जाती है रैम, जो मैंने 2 स्टिक लिया था एडाटा का, उसका प्राइस यार 5,500। और उसके बाद बढ़ जाती है स्टोरेज की, स्टोरेज मुझे पड़ा 7,500 का, 7,550 का। उसके बाद आती है पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई का प्राइस मुझे पड़ा 3,750 रुपए। और जहां तक बात आती है यार केस की, तो केस यार मुझे एक अच्छा सा मिल गया था इन बजट में। आप यार अपने हिसाब से गुड लुकिंग केस चुन सकते हैं, और उसका प्राइस मुझे पड़ा था यार 3,000 रुपए। सो गाइस तो यार इस पीसी का फुल प्राइसिंग हुआ 60,000 रुपए के आसपास। सो गाइस अगर आपको यार चाहिए कि मैं इससे कम प्राइस में एक 4K वीडियो एडिटिंग पीसी बिल्ड करना चाहता हूं, सो गाइस वीडियो आ रही है जाके चेकआउट करो। और यार तुम्हें उससे भी कम बजट में एक यार अच्छा सा गेमिंग पीसी बिल्ड चाहिए तो यार वीडियो यहाँ पे आ रहेगी यार, जाओ चेकआउट करो। वेट किस चीज़ का कर रहे हो।